प्रार्थना की गई। ऐसे अवसर पर भगवान शंकर प्रकट हुए और शंकर भगवान ने कहा अब यही मेरी देवी प्रकट होगी, होगा शिव पार्वती विवाह। कल के प्रसंग में विवाह की तैयारी, शिव पार्वती विवाह कल के प्रसंग में विवाह की तैयारी करना, बराती बन के आना। अब कुछ बराती होंगे, कुछ होंगे राती, और क्या कहेंगे मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी धनिया, ध्यान आएंगे भोले बाबा और ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। आज यहाँ पर प्यारी सी गिनती करते हुए आरती की तैयारी करेंगे कथा के लिए। इसी प्रकार से आप लोग आते रहेंगे। ओ शंकर भगवान की जय हो। जब सब लोग खुश हो गए शंकर भगवान की कृपा से, दक्ष महाराज जीवित हो गए, पुनर्दान दिया, तो देवता हंसे खेले और खूब झूमे नाचे गाए। आप भी झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे वो शंकर भगवान की जय। जी घुमाएंगे झुमाएंगे आपको, और उससे पहले सूचना हमारे मनीष आचार्य जी कुछ दे रहे हैं। वो ये खिचड़ी बैठक पाएंगे सब आज, खिचड़ी का प्रसाद बटेगा आरती के बाद में, खिचड़ी का प्रसाद आरती के बाद में सबको मिलेगा। हालांकि बटना शुरू हो गया, वहाँ भोग पहले लग गया है, भोग लग गया बटने लग गया, भोग लग गया बट रहा है, खाना कथा सुनने वाले, कथा सुनने वाले कथा के बाद में मिलेंगे आपको। और जय भोले जी श्री रामवीर जी, जय भोले जी जो यहाँ बैठ के हमारा साथ दे रहे हैं, उनकी ओर से 511 रुपए का शुभ दान आया है भगवान शिव के चरणों में, प्रभु जी स्वीकार करें। बजाओ तालियां जोरदार से, बोल शंकर भगवान की जय हो। बजाओ ताली, तालियों में कम नहीं क्या? अरे ठंड पड़ रही है महाराज जी, आओ जरा झूमते हुए भगवान को मनाएंगे। महाराज जी एक बार झूमते हुए सब खड़े होकर के भगवान को मनाएंगे भोले बाबा को, और चलेंगे भोले बाबा के चरणों में। बोल भूतनाथ भगवान की पूजा कराइए, उनके द्वारा आरती शुरुआत होगी। जो यजमान बनेगा विशेष रूप से उसके द्वारा पूजा पहले हुआ, आरती पहले हुआ करेगी। एक गुप्तदान 500 रुपए का फिर आया, 500 रुपए गुप्तदान आया। देखिए बुरा मत मानिएगा भैया, जो लगाएगा दाम वो पाएगा इनाम, ठीक है? क्योंकि ये महत्व है मुख्य यजमान बनने का। यजमान जब बनते हैं तो कुछ सामग्री अलग से लानी पड़ती है, हालांकि सबका आपका ही लग रहा है काम, चिंता मत करो, परंतु आरती में अधिकार उसका होता है जो पहले यजमान बनता है। तो जो यजमान बने आज के वो आरती शुरू करेंगे, बाद में हम सब करेंगे, चिंता मत करिए, परंतु ये महत्व है इसका यजमान बनने का, ठीक है ना? ओम चंद्र बोले जी कह रहे हैं तो एक थाली और बना लिया करेंगे, बोले जी बनाएंगे थाली वो कल से बनेंगे दो। हाँ तो कहने का मतलब ये है मेरी गिनती फिर स्वीकार करो, आरती हम कर रहे हैं भोले बाबा से, दक्षिणे कही थी यज्ञ नहीं कर रहा हूँ अकेला, तो अब कह रहा मैं अकेला नहीं कर रहा प्रभु, ये सबका यज्ञ है, तो आज हम सभी मिलकर आरती करेंगे। परंतु इस समय मुख्य यजमान आरती की थाली को लेंगे और फिर बाद में बारी बारी से सब करेंगे। कल से बेमानी होनी चाहिए, जो यजमान बनेगा कथा चार बजे नहीं हो पाएगी पूरी, मस्त कथा लाइव चल रही है ना, मैं तो 4 बजे सुना दूं, तुम कहो तो मैं सुबह 8 बजे बैठ जाऊं,
लेकिन मैं तुम्हारे कैसे नहीं चलूंगा। अगर कथा सुनने वाले